गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट चार की प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है आपका, शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द की परिभाषा है, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, शब्दों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है। शब्दों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है। तो उत्तर है, शब्दों का वर्गीकरण चार आधार पर किया जाता है। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और चौथा अर्थ के आधार पर। तो शब्दों का वर्गीकरण चार आधार पर किया जाता है, स्रोत के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब आपका तीसरा प्रश्न है, रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने भेद कितने प्रकार के होते हैं तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी लिखो। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द के तीन प्रकार हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के तीन प्रकार कौन है, कौन कौन से, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब कहा है कि प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी लिखना है। तो रूढ़ शब्द है रूढ़ शब्द यानी जिसका कोई ना कोई निश्चित अर्थ चला हुआ आ रहा हो। तो रूढ़ में हम एक उदाहरण लिख लेंगे, जैसे पेड़, ठीक है। अगर आप चाहो तो एक और लिख सकते हो, यौगिक शब्द, पेड़ के साथ में हमने पुस्तक भी लिख लिया। दूसरा हमारा यौगिक शब्द यानी दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हैं, तो इसके अंदर हो गया हमारा जैसे जैसे शब्द हो गया पुस्तकालय, शब्द हो गया पुस्तकालय। अब है योगरूढ़ शब्द यानी कि जो विशेष अर्थ के लिए प्रयोग होते हैं, जैसे नीलकंठ, दशानंद, तो ये शब्द, तो इसका एक उदाहरण हो गया आपका नीलकंठ। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द के तीन प्रकार के हैं, रूढ़ शब्द जैसे पेड़ पुस्तक, यौगिक शब्द पुस्तकालय, योगरूढ़ शब्द नीलकंठ। अब आपका चौथा प्रश्न है, स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखिए। तो स्रोत के आधार पर शब्द पांच प्रकार के हैं, स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं, पांच प्रकार के, कौन कौन से, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशी और संकर। तो हम एक एक उदाहरण या दो दो उदाहरण लिख देते हैं। तत्सम शब्द का उदाहरण अग्नि, सूर्य। तद्भव का उदाहरण आग और सूरज। देशज शब्द का गाड़ी तथा जूता। तो स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं, प्रत्येक के एक एक या दो दो उदाहरण लिखिए। स्रोत के आधार पर शब्द पांच प्रकार के हैं, तत्सम शब्द अग्नि सूर्य, तद्भव शब्द आग और सूरज, देशज शब्द गाड़ी जूता, इसके बाद में विदेशी शब्द अखबार और किताब, संकर शब्द रेलगाड़ी तथा टिकट घर। अब है आपका अगला प्रश्न पांचवा, पर्यायवाची और विलोमार्थी शब्दों में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द में आपको अंतर बताना है। तो पर्यायवाची शब्द क्या है, जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। और विलोम शब्द है, किसी शब्द से विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाला शब्द विलोम शब्द कहलाता है। किसी शब्द से विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाला शब्द विलोम शब्द कहलाता है। तो ये आपका पांचवा प्रश्न है जिसका उत्तर है। तो बेटा आपको पांचों ही प्रश्न फिर नोटबुक में नोट करने हैं। अब करते हैं हम आगे बुक की एक्सरसाइज। छठा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तत्सम रूप लिखना है आग, अग्नि, आंख, अक्षी, अंधकार, अंधेरा, अंधकार, पांच, पंच, सपना, स्वप्न, दूध, दुग्ध। निम्नलिखित शब्दों के तद्भव रूप लिखिए, पत्र, पत्ता, सूर्य, सूरज, मयूर, मोर, ज्येष्ठ, जेठ, स्वर्ण, सोना, हस्त, हाथ। निम्नलिखित शब्दों को उच्च शीर्षक के नीचे लिखिए। ये है यहाँ पर आपको कुछ शब्द दे रखे और नीचे हमें शीर्षक दे रखे, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। तो हमें क्या करना है, हमें इन शब्दों में से कि कौन कौन से तत्सम शब्द हैं, कौन से तद्भव, कौन से देशज, विदेशी और संकर, उनके नीचे हमें लिखते जाना है। जैसे तत्सम में हो गया पक्षी, रक्त, श्रद्धा, तृष्णा, जीवा, पुत्र। तद्भव में दूध, पत्थर, कपड़ा, हवा, इस्पात। देशज में खिड़की, धोती, डिबिया, झाड़ू। किस्म, विदेशी में डॉक्टर, वकील, बैंक, दरवाजा, बोतल। और संकर शब्द पानदान, रेलगाड़ी और उपयुक्त। आगे आपके
दो या दो पर्याय दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। इनके हमें दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। सूर्य के पर्यायवाची हो गए रवि और सूरज, पानी का जल और नीर, विलोमार्थी शब्द हो गए आपके योग्य अयोग्य, सत्य असत्य, ज्ञान अज्ञान, सुपुत्र कुपुत्र। बेटा ये सभी आपको बुक में फिल करने हैं और ये पांचों प्रश्न आपको नोटबुक में नोट करने हैं। थैंक यू।